हमारे टीम ऊपर ग्रॉसरी लेके जा रही है सब लोग। यस गाइस हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बढ़ गया भाई, जल्दी ले चलो। थैंक यू माय बेबी। यस गुड जॉब। इसका क्या बनेगा? सैंडविच, एवोकाडो सैंडविच। यस समर लव ब्रोकली, समर लव एवोकाडो। यस लेके चलो, जल्दी लेके चलो। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। Oh my God, Samar, you are a great, so strong boy. कंचन, आज मैं ज्यादा खाना खाऊंगा। अभी मैं ग्रॉसरी लेके आया हूँ और इतना अच्छा लग रहा है कि हमेशा ग्रॉसरी चढ़ाने में हालत खराब हो जाती थी, मैं और कंचन चढ़ाते थे, और आज काफी सारी ग्रॉसरी समर समीर एक एक करके उठा के लेके जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास मैन पावर बढ़ गई है। Yes, guys, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी इनका सारा फेवरेट फ्रूट आ गया है, बहुत फ्रूट खाते हैं लोग, अच्छा लगता है। क्या करेंगे, हम लोग इतना लेमन हनी वाटर पीते हैं कि इतना लेमन लाना पड़ता है। चलो अचार भी बनाएंगे। शाबाश समी। क्या खा रहे हो? अभी मैंने ब्लूबेरी लाया और ये लोग तुरंत खाने लगे। दे लव इट। हाँ सो कर दो। हाँ भाई देखिए, यस। और तुम लोग जानते हो आज ऐसे लग रहा है ना, मैं दो बड़े बड़े पहलवान का पापा हूँ। आई एम रियली फीलिंग सो सो प्राउड। हाँ खट्टा तो रहेगा। आज भाई हमारे बच्चों ने आधा से ज्यादा ग्रॉसरी ऊपर चढ़ाया है, तो हमारी छाती जो है 56 इंच की हो गई है फूल के। एक्सरसाइज। Oh my God! I'm getting so big. Yeah, you're getting so big. I'm wearing my big gold scarf. Okay, good job. Don't talk it. Okay, कोई नहीं बात करेगा भाई, एक्सरसाइज में डिस्टर्ब नहीं करे कोई. Yes, do it. Oh, शाबाश. What are you doing? No, I'm talking. तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो ना, तो मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा. मेरा टाइम आ गया है. Wow. Wow, Samar, well done. Yes? Don't talk. Like a movie. Movie? अरे सुबह 7 o'clock हो रहा है, मूवी देखना है यार. What is happening, guys? Nothing. You should say hello. नो पल एकदम सीधा डालना है, देख बता रहा हूँ, रुक जा। हाँ समीर समीर देख रहे हैं क्या कर रहे हैं सब, मैं इसको ब्रश कराने ले जा रहा हूँ तो खींच रहा है कि नहीं समर को मुझे दो ब्रश नहीं करना है। Is ready. क्रीम लगा दूं? No, I don't like it. जिस तरह कहोगे उसी तरह लगाऊंगा, ओके? लुक करो तब मिक्स करेंगे। समीर को करा दो जल्दी से। और समीर ये सब शैतानी की हद होती है यार, जो सुधर गया वाटर मांग रहा था वाटर लेने के लिए और क्रीम के डब्बे में पूरा पानी भर दिया। बेबी No, that's not right. Completely not right. Please turn this side. I love to. Please turn this side. Okay, चलो इधर से ही करते हैं। Hey!
मजाक नहीं है, गिर जाएंगे प्लीज। बहुत ड्रामा चल रहा है, बहुत ड्रामा चल रहा है। सो अब मुझे कैमरा बंद करके डिसीजन लेना पड़ेगा। 2-3 कपड़ा चेंज करने इनका बहुत फनी होता है, बहुत मजा आता है, परेशान करते हैं बट बहुत मजा आता है। अभी दोनों नंगा होके खूब जंप कर रहे हैं बेड के ऊपर। जब 10 मिनट कर लेंगे तब बोलेंगे पापा पाना दो। आई एम गोइंग टू टेक द रिवेंज। Hey you, he's my baby. You. समीर गिर जाओगे, समीर गिर जाओगे, संभाल नहीं पाओगे समीर। सबको मजा आ रहा है। No more, okay, no more. बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत शैतानी भी करते हैं बट बहुत मजा आता है। तुम मैं ही बात मानोगे तो मैं तुमसे रिवेंज लूंगा। ओके बाय समीर। No bye Sabir. Hey. हाँ बड़ा हो जाओ, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ तब वीडियो में देखोगे। जंप करो, जंप करो। समर कम यार, डेली अंडा खाते हैं तो मैं सोचा अंडा बनाता हूँ एक सा, और साल्टी ओट बनाते हैं थोड़ा सूप सूप की तरह। आज बोल रहे हैं कि नहीं, वो भी ओट नहीं खाएंगे, अंडा भी नहीं खाएंगे, दूध के साथ ओट खाएंगे, उसमें काजू डाल के खाएंगे। तो दो बनाए चीज और दोनों अभी नहीं खाएंगे। और जो लोग पेरेंट्स हैं वो समझते होंगे, अरे यार कुछ भी खा लो, बस किसी तरह खा लो, हमें तसल्ली मिल जाएगी। जब कल आधा से ज्यादा ग्रासरी ये लोग ऊपर चढ़ा दिए और इतना एक्साइटेड होकर चढ़ा रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि अरे यार हमारे पास मतलब मैन पावर बढ़ गई है, और हम लोग अभी बच्चे नहीं, हम लोग 4 लोग हो गए घर में, ऐसे लग रहा था। तो रियलिटी में जो बोला फूले नहीं समाने वाला वो ऐसा चीज हो गया था। कंचन भी और हम लोग भी बहुत ऊपर से बोल रहे हैं आई एम हेल्पिंग पापा, टेक्स लेट्स टेक इट अप। सो इतने एक्साइटेड होके कर रहे थे, स्ट्रॉबेरी इज माय फेवरेट, थैंक यू पापा खरीदने के लिए। तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। कल सारा ग्रासरी का सामान ऊपर से नीचे से ला, कार से ला के ऊपर आप लोग चढ़ाए, तो कैसा लगा? गुड लगा। एंड आई वाज आल्सो फीलिंग गुड। मुझे लगा ना कि माय गॉड मेरा सारा बेबी स्ट्रांग हो गए हैं सब। ऐसे उठा ले रहा था। ओके आप लोग के लिए जल्दी से मैं ओट बना रहा हूँ और फिर खाएंगे और खा के स्ट्रांग हो जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एंड समर के दिमाग में आ गया है कि जब एक्सरसाइज करूंगा तो बिग हो जाऊंगा, तो खूब एक्सरसाइज करा आजकल। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं बता दूं, मैं बाल्टीमोर सिटी में रहता हूँ। आज का यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आज का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, घूमने लायक, एकदम लकली एकदम बीच पे जाने लायक है। अभी हमारी दोस्त आ गई, बोली कि समर समीर को लेके हम बाहर जाते हैं, हम भी घूम लेंगे और समर समीर भी घूम लेंगे। बच्चों का पार्क है बगल में, वहाँ पे लेके चली गई। तब बोलेंगे 1-2 घंटा खूब गर्मी में मस्त खेलेंगे। सो बहुत ही अच्छा मौसम है और हम अब चल रहे हैं लैब। जब मौसम सही है तो चलता हूँ, थोड़ा सा मून रूफ वगैरह खोलता हूँ और सब मस्त एकदम थोड़ा सा फ्रेश हवा लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, खुली खुली ठंडी हवा लगती है। तो बड़ी गाड़ी थी, मुड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने पीछे करके उसको वे दिया, तो पिप पिप करके मुझे थैंक यू बोला। ये यहाँ के ट्रक वालों का स्टाइल है, इस तरह करते हैं। अमेरिका में जो ट्रक वाले होते हैं उनका अगर हॉर्न सुनना है तो बच्चे इस तरह करते हैं। तो मैं और समर समीर भी बहुत बार इस तरह करते हैं ना, तो लोग बहुत अच्छा सा हंक मारते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। जो लोग अमेरिका में है अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं, मैं बहुत बार करता हूँ। ये सब सामने जो घर देख रहे हैं आप, वो सब 3-बेडरूम अपार्टमेंट है और ये सब एकदम जस्ट नया बना है, साल भर पहले का। इधर की तरफ हमारी लैब है, इसके पीछे हम लोग काम करते हैं। मैंने बहुत गलती कर दिया, यहाँ पे घर ले लिया होता ना
तो काफ़ी अच्छा रहता। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या फ्यूचर में आ नहीं रहे तो भी रेंटल की तरह दे सकता था और काफ़ी चलता। ये सारे घरों का प्राइस 350 के आसपास है। मैंने इसलिए नहीं लिया कि ये कैंपस बहुत सेफ नहीं है, बट जॉन हॉपकिंस और बाल्टीमोर सिटी मिल के इस पूरे कैंपस को बहुत सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा उधर पार्क बन गया है। तो बहुत अच्छा रहता, नहीं रहता तो भी बहुत इजीली रेंट पे चला जाता, क्योंकि बहुत सारे पोस्टडॉक आते हैं इस कैंपस में और बहुत सारे मेडिकल रेजिडेंट रहते हैं, तो उनको कोई ना कोई नज़दीक में चाहिए होता है अच्छा सा घर। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता बट मैं नहीं कर पाया। और कोई बाल्टीमोरियन पोस्टडॉक है भाई जो यहाँ पे है और सोच रहा है इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अच्छा आइडिया है। अभी एक चीज़ भी वहाँ पे खाली नहीं है तो मिल ही नहीं रहा है। अब कैंपस में इस एरिया के पास मैं घर लेता तो जॉन हॉपकिंस की तरफ से हमें $10,000 का रिबेट मिलता। सो अभी आ गया हूँ लैब और जा रहा हूँ अब काम करने। सो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू लेटर।